पहले स्मॉइड है, पंजाब में तो स्मॉइड भी बहुत हो चुके हैं अब। और ये बरनाला इलाका जो है ये सारा स्मॉइड का ही है, ज़्यादातर स्मॉइड यहीं पर ही सेल हो चुके हैं मुझे लग रहा है। ये हस्कीज़ हैं, हस्की के लिए भी देखिए कितने प्यारे हस्की हैं। ये जलंधर से आया शायद हस्की, जलंधर आया ना। ये वाइट हस्की, वाइट हस्की ब्लू आइस। दोनों ब्रीड इतनी प्यारी है ना। ये भी देखिए वाइट हस्की, देखिए कैसे ग्रूम किया हुआ है। हम पहले वायरल वीडियो काफ़ी देखते थे जिसमें कहते थे हस्की स्मॉइड इंडिया में रह नहीं सकते, पर ये देखिए ये ग्रूमिंग। देखिए बदनाम करना हो किसी ब्रीड को तो वो वीडियो ही वही उठाएंगे जिन्होंने निगलेक्ट किया हो। अब ये भी हस्की है, स्मॉइड है, अभी टेम्परेचर भी काफ़ी है यहाँ पर। आप देखिए पूरे ग्रूमिंग है, ये आपकी टेक केयर पर है। लेकिन आपको दिखाया नेगेटिव क्यों जाता है, व्यूज़ के लिए सिर्फ, कि हस्की नहीं रह सकते, स्मॉइड नहीं रह सकते, ये व्यूज़ के लिए है सिर्फ। ये देखिए आप, अब कोई पूछेगा तो ये भी भाई रह रहे हैं पंजाब में। देखिए हस्की, ये पपी क्लास में होगा, फोर मंथ ओल्ड, यंगेस्ट मतलब माइनर पपी में विन किया होगा, माइनर पपी में। ओड आइज मतलब दोनों, वन इज ब्लू एंड वन इज ब्लैक। अब ये देखिए ये हस्की है, ये ओनर है। देखिए अगर ब्रीड को बदनाम करना हो उसके लिए आप कह देते हो कि ये ब्रीड ऐसी है, ब्रीड ऐसी है। ये सारे मैंने आपको दिखाए हैं, ये भी इसी पंजाब में रहते हैं। ये ओनर के ऊपर ही होता है ना ब्रीड को रखना। भाई हमने इसको घर में एसी दिया हुआ है, हम इसको सुबह घुमाते हैं 5 बजे 6 बजे इसको कमरे में डालते हैं अपने, इसके साथ जो बना हुआ है। फिर हम इसको रात में निकालते हैं 8 बजे। हम राजस्थान से हैं, बेसमेंट में इसके हमने कमरे बनाया हुआ है एसी के साथ। अच्छा कमरा, मतलब आपको हस्की रखना तो आपको एसी चाहिए। पता है ना कि कैसे रखना है, बेसमेंट में कमरे का मतलब हो गया कि टेम्परेचर में मेंटेन कर रहा हूँ 18 से 24 डिग्री। सब चीज़ें जैसे इंसान बड़ा होता है हर कंडीशन में बड़ा होता है इंसान का बच्चा, उसी तरह पेट होता है। आप पे जज्बा होना चाहिए उसको बड़ा करने का, उसको एनवायरमेंट देने का। नहीं मैं उन वीडियो के कारण बता रहा हूँ कि कई जगह हस्की उन्होंने ग्रूमिंग खराब की होती है, लेकिन वो बता देते हैं हस्की रह ही नहीं सकता। मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमने ये जितने भी हस्की या स्मॉइड देखे हैं ये बड़े अच्छे ग्रूम है यहाँ पर, आप कोई भी देख लीजिए। ये देखिए अब ये भी हस्की या स्मॉइड यहाँ पर है, ये सिर्फ केयर पर डिपेंड करता है। केयर और पैशन है कि मेरे को अपने बच्चे को कैसा बड़ा करना है। आप राजस्थान कहाँ से हो भाई? जयपुर। जयपुर तो वैसे भी गर्म इलाका ही रहता है। निवाई है हमारा कैनल। क्या नाम है? निवाई में है हमारा कैनल। निवाई में किस नाम से? पेट पॉस। जयपुर में क्या रेट रहता है वैसे हस्की का नॉर्मली? देखो मुझे तो रेट पता नहीं, मुझे पता है कि मुझे जिस तरह मैं खिला रहा हूँ, अगर मैं इसको वो फूड दे रहा हूँ जिसको कि मैं एक टाइम नॉनवेज खिला रहा हूँ, तो एक सबका अलग अलग रेट कुछ नहीं होता। जिसको लेना है उसको देख के भी रेट होता है, जिसको नहीं देना होता उसके लिए रेट ऐसा बोला जाता है कि वो ले ही ना पाए, ले ही ना क्योंकि पता है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसकी मेंटेनेंस। तो मतलब आपके वहाँ पर कम्फर्टेबल है हस्की? सर बेसमेंट है, एसी है, अब आपके सामने है। नहीं बहुत अच्छी क्वालिटी है भैया आपकी। ये आपकी ब्रीडिंग का या बाहर से कहीं? सर ये इम्पोर्ट का पपी है। बहुत अच्छा बिच्छा। ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ कि आप जब भी कोई ब्रीड देखते हो तो उसकी मालिक की थोड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकतें होती हैं तब ब्रीड ख़राब बनती है। नहीं तो हस्की स्मॉइड देखिए आप, मैं इसमें से कोई भी कहना नहीं चाहता, आप देख सकते हो कि कैसे लोगों ने रखा हुआ है। ये जजिंग कर रहे हैं राकेश जी। आइए कुछ और हस्की आपको दिखाता हूँ। वो जो वीडियो बनाते हैं अपने हस्की दिखाते हैं वो तो इतनी मेहनत नहीं करते होंगे जैसे यहाँ पर मेहनत हो रही है। ऐसा नहीं है कि शो में लाने पर ही इन्होंने मेहनत की है, ये रहते ही ऐसे है पूरा पूरा साल। अभी ये हस्की जलंधर में रहता है। अब आप देखिए क्या ग्रूमिंग किया हुआ है, हैं? देते ये जसल भैया की ब्रीडिंग से है। बस है? जसल भैया का ही है। इसलिए रूमर पर ना जाए, कोई भी डॉग हो चाहे लैब्राडोर क्यों ना हो, वो ग्रूमिंग करना आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है आप कोई भी ब्रीड नहीं रख सकते, आप रख सकते हो। कोई भी ब्रीड अगर तब लीजिए जब आप उसकी केयर कर सको।